गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के थर्ड सेशन में हम मिल रहे हैं, जिसमें हम आरएनएज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आरएनएज क्या है, आरएनएज कितने तरह के होते हैं और आरएनएज का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप फॉलो कर सकते हैं वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com को, और आप विजिट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajivranjan157197@ को, जहां पर आपको बायोलॉजिकल इवेंट से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे, डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे, जिनसे कि आप बायोलॉजिकल इवेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं और बायोलॉजी को लेकर के जो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो जो है और क्लियर होंगी और आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो फिलहाल जो है हम स्टार्ट करते हैं आरएनएस, आरएनएस क्या है और आरएनएस का इम्पोर्टेंस क्या है, आरएनएस कितने तरह के होते हैं। एक्चुअली द आरएनए वर्ड जो है वो एक हाइपोथेटिकल स्टेज की बात करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ में, और सिंपली अगर हम देखें तो जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे भी और थोड़ा बहुत जो आप जानते हो 11th में जो आपने पढ़ा था उसके आधार पे कि डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का सिंथेसिस होता है। लेकिन जब हम आरएनए के डीएनए के रेप्लिकेशन को पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। इट मींस हम बहुत ही ज्यादा जो है एविडेंस के आधार पे नहीं कह सकते कि डीएनए का फॉर्मेशन पहले हुआ या डीएनए का सिंथेसिस पहले हुआ या आरएनए का सिंथेसिस पहले हुआ। आरएनए मॉलिक्यूल्स जो थे वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स थे, ऐसा माना जाता है डीएनए के इवोल्यूशन के पहले। आगे चल करके डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आरएनए जो है वो डीएनए से जो है ज्यादा पहले सिंथेसाइज हो चुका था और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आ चुका था। कभी कभी जो है आरएनए और डीएनए को लेकर के कुछ उसी तरह का जो है भ्रम चलता है हमारे दिमाग में, जो सिंपल एक कहावत है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, ठीक उसी तरह से आरएनए और डीएनए को लेकर के जो है चलता रहता है। फिलहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरएनए क्या है। अलेक्जेंडर रीच ने जो है सबसे पहले आरएनए वर्ड के कॉन्सेप्ट को बताया 1962 में, और आगे चल करके वाल्टर गिलबर्ट ने 1986 में जो है आरएनए वर्ड जो टर्म दिया। यहां एक सिंपल कंपैरिजन है डीएनए और आरएनए के बीच में। डीएनए जो है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां पे, और आरएनए जो है एक सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस दिखाई दे रहे हैं साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस दिखाई दे रहे हैं साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरैसिल। तो दीज आर द डिफरेंट बेसिस, जिसमें कि थाइमिन और यूरैसिल जो है वो कॉमन नहीं होते। थाइमिन डीएनए में पाया जाता है और यूरैसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं जब हम न्यूक्लिक एसिड के या डीएनए के पार्ट वन और डीएनए के पार्ट टू वाले वीडियोस में जो है हम बात कर रहे थे आपस में। तो फिलहाल जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, आरएनए और डीएनए के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है मेनली, कभी कभी जो है ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेस का फॉर्मेशन कर सकता है और डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे ट्रांसफर डीएनए में, सॉरी ट्रांसफर आरएनए में हम देखेंगे कि जो है कुछ
कंडीशंस में जो है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, बट वो काफी कम ड्यूरेशन के लिए हो सकता है या जो है बहुत ही कम जो है सीक्वेंसेज ऐसे होते हैं जो आपस में कंप्लीमेंट्री होते हैं और वो डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है सर्टेन वायरल डीएनए को छोड़ करके। कुछ वायरल डीएनए ऐसे होते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं जो एसएसडीएनए वायरसेस में पाए जाते हैं। राइबोज मेन शुगर होता है, जबकि जो है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज मेन शुगर होता है। पिरिमिडिन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफर कर करता है। थायमिन जो है नहीं पाया जाता आरएनए में, और थायमिन जो है पाया जाता है डीएनए में, और यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन इन सर्टेन कंडीशन थायमिन आरएनए में हो सकता है, और ये कंडीशन हमें दिखता है टीआरएनए में, ट्रांसफर आरएनए में हमें दिखता है कि थायमिन जो है पाया जा सकता है, बट यूजुअली आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। चूंकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए इसलिए वो चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करता, और डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड होता है इसलिए वो चारगाफ रूल को फॉलो करता है, क्योंकि प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों जो है इक्वल कंटेंट में पाए जाते हैं, जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरिमिडिन होंगे। आगे अगर हम देखें तो आरएनए जो है आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन डीएनए जो है को डिस्ट्रॉय इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आरएनए इज कंपैरेटिवली लेस स्टेबल देन दैट ऑफ द डीएनए। डीएनए रेजिस्ट करता है एल्कलाइन एक्शन को ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ओएच ग्रुप एट सेकंड पोजीशन, क्योंकि वो डीऑक्सीराइबोज होता है और सेकंड पोजीशन पे जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है नहीं पाया जाता या अल्कोहल ग्रुप नहीं पाया जाता, जिसके कारण जो है वो रेजिस्ट करता है एल्कली एक्शन को, जबकि आरएनए जो है एल्कली एक्शन को जो है रेजिस्ट नहीं कर पाता और जो है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरएनए इज रिलेटिवली ए लेवाइल मॉलिक्यूल, अंडरगोज इजी एंड स्पॉन्टेनियस डिजेनरेशन और डिग्रेडेशन, व्हाइल डीएनए इज स्टेबल मॉलिक्यूल। द स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन इज वेरी वेरी स्लो, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर फॉर ईयर्स टूगेदर विदाउट एनी चेंज। चूंकि आरएनए जो है बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं है और वो आसानी से जो है स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन में जा सकता है, इसलिए जो है उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो लंबे समय तक स्टोर करके रखना संभव नहीं होता है, यानी उसमें चेंजेज आ सकते हैं। लेकिन डीएनए चूंकि स्टेबल मॉलिक्यूल है और उसका स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन लंबे समय तक जो है विदाउट एनी चेंज जो है स्टोर हो सकते हैं। आरएनए यूजुअली साइटोप्लाज्मिक होते हैं, बट न्यूक्लियस में भी पाए जा सकते हैं, और न्यूक्लियस में जो आरएनए पाया जाता है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में पाया जाता है या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। अभी हम आगे चल करके आरएनए के डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखेंगे, तो हम वहां देखेंगे कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट और एचएन आरएनए, हेटरोन्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए के फॉर्म में न्यूक्लियस में आरएनए हो सकता है, बट जो एक्टिव आरएनए होते हैं वो मेनली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। डीएनए मेनली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में हो सकता है और सर्टेन बैक्टीरिया में हो सकता है प्लाज्मिड के फॉर्म में। बेस कंटेंट्स वेरीज करते हैं, आरएनए का जो साइज होता है वो वेरिएबल होता है और बेस कंटेंट्स जो है कम होते हैं एज कंपेयर टू द डीएनए, जबकि डीएनए में जो है मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स जो है पाए जाते हैं, और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, siRNA, miRNA, hnRNA, these are the different types of RNA found in the nature. DNA usually एक ही तरह का पाया जाता है, हालांकि हमने twisting और number of base pairs के आधार पे हमने पीछे देखा था कि DNA जो है के different forms होते हैं, aDNA, bDNA, cDNA, dDNA, and zDNA. तो ये जो है variable forms जो है होते हैं, but these are not the types of DNA, these are the forms of DNA. जबकि आरएनए में जो है वेरिएबल फॉर्म्स नहीं पाए जाते, बल्कि आरएनए में डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं।
तो चाहे जितने भी टाइप के आरएनए होते हैं उनका जो जो फॉर्म है वो जो है चेंज वो नहीं करते, वो फॉर्म उनका एक ही होता है, जबकि डीएनए में फॉर्म जो है चेंज होता है, जैसे ट्विस्टिंग चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न चेंज हो सकता है, लेंथ ऑफ द टर्न चेंज हो सकता है, द गैप बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर चेंज हो सकता है, लेकिन आरएनए में ये जो चीजें हैं जो जो एसेंशियल जो है एलिमेंट्री जो प्रॉपर्टीज है आरएनए की वो जो है चेंज नहीं होती आरएनए के टाइप्स में, इसलिए आरएनए के डिफरेंट फॉर्म्स नहीं पाए जाते। आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए, इट कैन नॉट फॉर्म डीएनए एक्सेप्ट बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है डीएनए से, एक्सेप्शन है जहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में इन द सर्टेन वायरसेस हैव कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस डीएनए फ्रॉम द आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये अपने डुप्लीकेट का फॉर्मेशन भी यूजुअली नहीं करते सर्टेन वायरसेस को छोड़ करके। डीएनए कैन फॉर्म डीएनए, यानी डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर सकता है और डीएनए से आरएनए भी ट्रांसक्राइब होकर के बन सकते हैं। यूजुअली आरएनए के डिफरेंट कॉपीज, मेनी कॉपीज जो है किसी पर्टिकुलर सेल में पाए जा सकते हैं, लेकिन डीएनए का जो है सिंगल कॉपी ही जो है सेल में पाया जाता है। तो ये सारे जो थे डिफरेंसेस थे आरएनए और डीएनए में। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जिसमें से तीन जो है मेजर टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए। इसके अलावा कुछ जो है स्पेसिफिक स्मॉलर आरएनए होते हैं और जो है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, माइक्रो आरएनए एमआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए एसआईआरएनए एंड हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए दैट इज एचएनआरएनए, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। हम एक एक करके इन्हें देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या हैं, इनके क्या रोल हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जो टोटल आरएनए कंटेंट होता है सेल में उसका केवल 5% होता है और ये यूजुअली हेटरोजीनियस होता है साइज और बेस सिक्वेंसेज में। और मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जेनेटिक कोड्स क्या हैं? ये अगले सेशन में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जस्ट अगले सेशन में हम जेनेटिक कोड पे बात करेंगे, वहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक कोड क्या होता है। अभी फिलहाल आप ये जान लो कि इच जेनेटिक कोड इज स्पेसिफाइड फॉर द एमिनो एसिड फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए हर एक एमिनो एसिड के लिए अपना एक जेनेटिक कोड होता है, जिसके थ्रू जो है वो आपस में मिल करके पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक कोड पाया जाता है जिसके थ्रू जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मैसेंजर आरएनए के जो है स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो टर्मिनल एंड जो होता है उसका जो 5' टर्मिनल एंड होता है वो कैपिंग होती है, वहां पे कैपिंग किसकी होती है? 7-methyl guanosine triphosphate कैप की होती है। और जो है इसके अलावा जो है ये जो मैसेंजर आरएनए है वो को इसको कैपिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक्जो न्यूक्लियस के एक्शन से। कैसे करता है, क्या है, जरा हम देखेंगे। अभी डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। यहां देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेंजर आरएनए, इट इज द कैपिंग एट द 5' एंड, जिसे कि हम मिथाइलेशन भी कहते हैं। इस 5' एंड के कैपिंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं मिथाइलेशन, ठीक है। फिर आगे आते हैं, थर्ड एंड जो होता है मोस्ट ऑफ द मैसेंजर आरएनए का, उसमें जो है पॉलीमर होता है एडिनिलेट रेजिड्यूज का, और इसे हम पॉली ए के नाम से जानते हैं। और ये पॉली ए जो है या टेल जो है इसका, ये भी प्रिवेंट करता है एक्जोन्यूक्लियस से है आरएनए को। एक्जोन्यूक्लियस क्या है इसको भी हम जान लेते हैं, आगे चल करके हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में जो है डिटेल में पढ़ेंगे एक्जोन्यूक्लियस क्या होता है, फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सपोज दैट ये एक जो है सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस या आरएनए सीक्वेंस कुछ भी हो,
यहाँ पे तो ये मैसेंजर आरएनए दिखाई दे रहा है, बट मान लो कि एक सीक्वेंस है जो है न्यूक्लिक एसिड का, तो इस न्यूक्लिक एसिड को कट करने के लिए जो एंजाइम्स यूज होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं। और ये न्यूक्लियस जो है दो तरह के हो सकते हैं, एंडो न्यूक्लियस एंड एक्जो न्यूक्लियस। एंडो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को मिडिल पोर्शन से कट करते हैं, और एक्जो न्यूक्लियस जो है वो किसी पर्टिकुलर एंड पोर्शन से जो है कट करके अलग करते हैं। तो 5' एंड पे और 3' एंड पे एक्जो न्यूक्लियस का एक्शन ना हो सके, इसके लिए यहां पर जो है कैपिंग होती है। 5' एंड पे जो है कैपिंग होती है मेथाइलेशन की, और जो है 3' एंड पे जो है ये पॉलीएडेनिलिक एसिड का जो है कैपिंग होता है, इसे हम टेलिंग के नाम से जानते हैं। और जो है इस तरह से जो है ये बनता है, देखो यहां पे ए ए ए ए ए, ये ए ए क्या है, एडेनिलिक एसिड है या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, जो लगातार कई बार जो है यहां पे लगा हुआ है, जिसके कारण जो है यहां एक्जो न्यूक्लियस का फंक्शन नहीं होता। और इधर 5' एंड पे ये कैप लगा हुआ है जो कि एक्जो न्यूक्लियस के फंक्शन को रोकता है। हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो पॉली ए टेल में नहीं पाए जाते। और इसके अलावा जो 5' और 3' एंड है इनमें जो है नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जिस जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में जो है यूटिलाइज नहीं होते। यानी यहां इसको अगर हम देखें तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे दिस इज द एयूजी, इट इज अ कोडॉन, इट इज जेनेटिक कोडॉन। यूएजी, इट इज जेनेटिक कोडॉन। तो जो है ये जो यहां से लेकर के एयूजी से जो है यूएजी तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है मैसेंजर आरएनए का जो है वर्किंग पोर्शन है, जिसके पास जो है जेनेटिक कोड है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। इसके इधर कैपिंग इन में और इसके इधर टेलिंग इन में या पॉली ए इन में जो है जेनेटिक कोडॉन्स नहीं होते, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इधर भी ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और ये जो पोर्शन है ये एक्टिव मैसेंजर आरएनए है जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो है ये हो गया जो है मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है वो जो है डीएनए टेम्पलेट के जो है हेल्प से ट्रांसक्राइब होता है, और जब वो ट्रांसक्राइब होता है तो उस समय जो है वो वर्किंग कंडीशन में या फंक्शनल कंडीशन में नहीं होता। तो जो नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए डीएनए के टेम्पलेट पे ट्रांसक्राइब होकर के बनता है उसे हम एचएनआरएनए या हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए के नाम से जानते हैं, या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के नाम से जानते हैं। और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए की फर्दर जो है प्रोसेसिंग होती है, जिसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसे हम पढ़ेंगे भी आगे चल करके, उसके थ्रू हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर जाता है। तो एचएनआरएनए या हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए को हम देख लेते हैं कि हेटरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है क्या। यानी जो मैसेंजर आरएनए के जस्ट पहले जो डीएनए के जो है टेम्पलेट पे जो आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है वो आरएनए जो है एचएनआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। और ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जो कहलाता है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है फर्दर जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के थ्रू फाइनली जो है एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट कर जाता है। और ये कितना करता है, जो एचएनआरएनए है उसका लगभग 75% पार्ट जो है डिग्रेड कर जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में, और ओनली 25% जो है वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करता है। एचएनआरएनए का जो साइज है वो काफी वेरिएबल होता है, और वो बहुत ही बड़ा साइज होता है, लार्जर साइज होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैसेंजर आरएनए। हेटरोजीनियस आरएनए एचएनआरएनए की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को यहां पर दिखाया जा रहा है, इसे जरा देखने की कोशिश करो। ये जो है एक एचएनआरएनए है या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना, डीएनए है ये, और इस डीएनए से जो है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है बना। डीएनए में जो है ये जो ग्रीन वाले पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं ये या जो है ब्लू वाले जो पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं ये इंट्रॉन है, और ये जो ब्राउन वाले पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं ये एक्जॉन है। एक्चुअली जो एक्जॉन होते हैं वो
फंक्शनल पार्ट होते हैं और इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बना, इससे जो सिंथेसाइज होकर के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, इसमें पहले 5' पे कैपिंग हुई, 3' पे जो है पॉली ए टेल लगा, और उसके बाद जितने भी इसमें नॉन फंक्शनल इंट्रॉन पार्ट थे, इन इंट्रॉन पार्ट्स को जो है यहां पे स्प्लिसिंग के थ्रू जो है यहां से बाहर निकाल दिया गया। और फाइनली जो मैसेंजर आरएनए हमें मिल रहा है, मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिल रहा है, ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए के पास केवल और केवल एक्सॉन होता है जो कि फंक्शनल होता है नेचर में। तो जितने भी नॉन फंक्शनल पार्ट थे या इंट्रॉन थे उनको स्प्लिस अप करके जो है उसको हटा दिया गया, और उसके बाद जो है जो एक्सॉन है जो कि वर्किंग पार्ट है या फंक्शनल पार्ट है वो हमें मैसेंजर आरएनए के रूप में मिला। अगर हम यहां कंपेयर करें तो यहां पे 7700 बेस पेयर्स जो है डीएनए जीनोम में थे, और यहां जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिल रहा हमें इसमें 1872 बेसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो है जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है इसे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर। तो ये एचएनआरएनए है, और एचएनआरएनए से कैसे मैसेंजर आरएनए बनता है इसके बारे में जो है हमने बात किया। नेक्स्ट टाइप इज ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। टीआरएनए जो है स्मॉलेस्ट होता है तीनों जो है मेजर कैटेगरीज में। जो मेजर कैटेगरीज हमने देखा मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, इसमें जो है ट्रांसफर आरएनए जो है सबसे छोटा होता है, और ये लगभग जो है 72, 95 और 100 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो है इनके पास जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जो है करते क्या है, ट्रांसफर आरएनए का जो मेजर फंक्शन होता है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करना, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में ये अपने आप को इन्वॉल्व करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए जो है स्पेशलाइज्ड होता है। इसके स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं ज्यादा अच्छे ढंग से, और क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडन आर्म, डीएचयू आर्म, टीसीआईसी आर्म एंड एक्स्ट्रा आर्म, इन्हीं को हम लूप के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं हम इन स्ट्रक्चर्स को, पहले हम स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। लुक हियर द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसमें ये एंटीकोडन लूप है, और ये पूरा का पूरा एंटीकोडन आर्म हो गया, ये टी साई सी जो है लूप है, और ये टी साई सी आर्म हो गया, ये वेरिएबल आर्म हो गया, ये जो है एक्सेप्टर स्ट्रेम हो गया जिसमें कि एमिनो एसिड को जो है ये रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड अप करता है, और ये डी लूप है, और ये डी आर्म हो गया। तो ये क्लोवर लीफ मॉडल है ट्रांसफर आरएनए का। और इसी क्लोवर लीफ मॉडल में हम एक चीज और देख रहे हैं, ध्यान से अगर हम देखें तो इन द सर्टेन कंडीशन एंड सर्टेन पोजीशंस जो है ये डबल हेलिक्स का या डबल स्ट्रैंडेड पोर्शन का जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां देखो यूएनजी, जीएनसी, सीएनजी, जीएनसी है, यहां देखो यहां पे ये जो डिफरेंट आर्म्स हैं, इन डिफरेंट आर्म्स में कुछ पोजीशंस पे ये डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पे जो टी साई सी जी लूप है इसमें जो है थायमिन दिखाई दे रहा है, जो कि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमने देखा था कि आरएनए के फॉर्मेशन में थायमिन का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये एक थायमिन है। तो अब इसी लूप के बारे में जो है हमें जानने की कोशिश करनी है। हम इसके जो है स्ट्रक्चर को जो है देखते हैं, यहां पर भी सेम स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और जो है हम एक एक करके इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दैट इज द एक्सेप्टर आर्म, और एक्सेप्टर आर्म जो है वो 3' पे होता है, और इसके पास 7 बेस पेयर्स होते हैं, और ये जो है जो एक्सेप्टर आर्म है 3' पे, इसको फिर से हम यहां देखने की कोशिश करें, दिस इज द एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। इसके लास्ट पे 3' पे जो है सी सी ए होता है, जो कि अपने पर्टिकुलर अपने जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो है एमिनो एसिड को जो है बाइंड अप करके, रिकॉग्नाइज करके और बाइंड अप करके जो है ये लेकर के आता है ताकि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सेप्टर आर्म है ये एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करके लेकर के आता है। नाउ देन जो है अगर हम देखें एक्सेप्टर आर्म के बाद जो है अगर हम अगला पार्ट देखें एंटीकोडन आर्म है। एंटीकोडन आर्म का मतलब क्या हुआ है, हम फिर से यहां पे देखें एंटीकोडन आर्म, ये एंटीकोडन आर्म है, और एंटीकोडन आर्म के पास अगर हम देखें तो ये देखो यहां पे जो दिखाई दे रहा है ये सी जी, और यहां पे जो है ये जो है जी है, यहां थोड़ा सा जो है मिस्टेक है, यहां पे इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो है
इसको अगर हम देखें इसी डायग्राम को यहां पे देखो तो यहां पे दिखाई दे रहा है, देखो देखो यहां पे सी जी 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 सी सी, तो ये यहां पे ये सही कंडीशन में दिखाया जा रहा है। तो ये जो है, ये जो आर्म है हमारा, इसको अगर हम देखें तो ये एंटीकोडॉन आर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यही जो है एंटीकोडॉन्स हैं, ये जो तीन एंटीकोडॉन्स हैं जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडॉन के साथ जाकर के बाइंड अप होते हैं, ये उनके जो है मैसेंजर आरएनए कोडॉन के जो है कंप्लीमेंट्री कोडॉन्स होते हैं। और मैसेंजर आरएनए में जिस एमिनो एसिड के लिए ये मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक कोडॉन है, ये ट्रांसफर आरएनए उसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को जो है बाइंड अप करके अपने साथ लेकर के आएगा। तो जो है हर एक एमिनो एसिड के लिए उसका अपना एक ट्रांसफर आरएनए होता है, और इसको हम जब जेनेटिक कोड हम पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम जो है देखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा अच्छे ढंग से हम वहां पर समझेंगे। तो ये एंटीकोडॉन लूप हो गया। देन द नेक्स्ट थिंग इज डीएचयू आर्म एंड टीसीआईसी आर्म। डीएचयू आर्म जो होता है वो एमिनो एसिड ट्री आरएनए सिंथेटेज एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होता है, और जो है ये जो रिकॉग्निशन साइट है ये है हमारा, देखो DHU एंड TCIC दो आर्म दिखाई दे रहे हैं यहां पे, ठीक है ना। पहले हम एक को देखते हैं, DHU को देखते हैं हम पहले कि DHU जो है क्या है, ये है DHU, ये जो DHU आर्म है ये जो है, या डी लूप जिसे हम कहते हैं, दिस इज मिंट फॉर द रिकॉग्निशन एज वेल एज बाइंडिंग ऑफ TR एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटाइज एंजाइम। जो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम है उसको ये बाइंड अप करता है और ये अपने साथ लेकर के आता है। और उसके बाद जो है टीसीआईसी जो है जी लूप है, ये जो टीसीआईसी जी लूप होता है ये क्या करता है, ये डीएचयू आर्म के जस्ट अपोजिट होता है। इसे हम स्यूडो यूरिडीन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्यूडो यूरिडीन पाया जाता है, और ये राइबोसोम को, टीआरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड अप करने में हेल्प करता है, राइबोसोम को बाइंड अप करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे बाइंड अप करेगा, देखो यहां पे ये जो है यहां पे है, और ये यहां पे जो है राइबोसोम के पास जो है इस टीआरएनए के लिए अपना एक बाइंडिंग साइट होता है, और उस बाइंडिंग साइट के साथ जो है ये टीआरएनए जो है अटैच हो जाता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस या पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसे ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं, तो वहां पर हम देखेंगे कि ये कैसे जो है राइबोसोम के साथ जो है अटैच होता है। फिलहाल जो है नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा आर्म और वेरिएबल आर्म। जो एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म है वो जो है उसमें क्या होता है, एक्चुअली एक्स्ट्रा आर्म या वेरिएबल आर्म का जो है कोई बेसिक जो है फंक्शन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और ये जो है एक वेरिएबल के फॉर्म में, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग फॉर्म में जो है पाए जाते हैं, और इसकी लेंथ जो होती है वो जो है कुछ आरएनए में जो है 3 to 5 बेस पेयर्स की होती है, कुछ आरएनए में जो है ये 10 to 21 बेस पेयर्स की होती है। तो ये जो है लेंथ अलग अलग हो सकती है एक्स्ट्रा आर्म की। एक्स्ट्रा आर्म को डायग्राम में हम देखते हैं, दिस इज द वेरिएबल लूप और एक्स्ट्रा आर्म, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रांसफर आरएनए में इस एक्स्ट्रा आर्म का जो है लेंथ जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो ये था ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो जो है सबसे छोटे होते हैं, और ये पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए स्पेशलाइज होते हैं पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान उस एमिनो एसिड को लेकर के आने के लिए। राइबोसोमल आरएनए और आरआरएनए, जो मैमेलियन राइबोसोम कंटेन्स 2 मेजर न्यूक्लियो प्रोटीन सब यूनिट। आपको पता है, आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम्स जो होते हैं उनके 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। हमारे बॉडी में जो है एटीआई जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें एटीएस राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसके 2 सब यूनिट्स होते हैं 60S एंड 40S। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अलग अलग है, 2.8 × 10⁶, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लार्जर सब यूनिट, एंड 1.4 × 10⁶, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट। जो 60S सब यूनिट होता है इसमें जो है 5S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, 5.8S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, और 20S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। जबकि जो 40S जो है सब यूनिट होता है, जो स्मॉलर सब यूनिट होता है, उसमें 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो ये जो है राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं, और लार्जर सब यूनिट में हमने देखा कि 3 तरह के राइबोसोमल आरएनए पाए जा रहे हैं, 5S, 5.8S और 28S। और जबकि जो है स्मॉलर सब यूनिट में हमें जो है 18S राइबोसोमल आरएनए दिखाई दे रहे हैं।
ध्यान दो 70S राइबोसोम अगर है जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है तो उसमें जो राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट के रूप में होता है, ठीक है। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। लुक हियर, ये यहां पे दिखाई दे रहा है, एक राइबोसोम है, ये इसके दो सब यूनिट है 40S एंड 60S। यहां पे ये तीन तरह के जो है आरएनए पाए जा रहे हैं, 5S, 5.8S एंड 28S, और यहां जो है ये 18S जो है पाया जा रहा है। इस चूंकि राइबोसोम्स क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें न केवल राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है बल्कि इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। लार्जेस्ट सब यूनिट में लगभग 49 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं और स्मॉलेस्ट सब यूनिट में लगभग 33 टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। राइबोसोमल आरएनए का जो बेसिक फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये करते हैं, कैसे करते हैं इस चीज के बारे में जो है हम जब इसी चैप्टर में आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ द राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व या हाउ द राइबोसोमल आरएनएस आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस प्रोटीन और टू सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए हमने देख लिया, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए की बात करें, ये जो है सिग्निफिकली जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं और जो है ये जो है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और बहुत ही जो है छोटे साइज में पाए जाते हैं, क्योंकि यह स्मॉल बोला भी जा रहा है नाम में, दीज आर द वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द अदर आरएनएस, और ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए को यहां पर दिखाया जा रहा है, ये देखो यहां पर प्री एमआरएनए है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, यहां स्प्लिसिंग हो रही है, स्प्लिसिंग होने के बाद जो है ये इंट्रॉन वाला पोर्शन जो है बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, और ये मैच्योर एमआरएनए बन गया। तो कई बार क्या होता है कि ये जो है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं जो कि एचएनआरएनए से एमआरएनए के दौरान फॉर्मेशन के दौरान जो बनते हैं, जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं एमआरएनए के, इन्हीं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को जो है हम स्पेशली जो है एसआरएनए के नाम से जो है जानते हैं। तो ये था हमारा आरएनए के बारे में, आरएनए क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, जो अभी हमने देखा। इसके बाद जो है हम अगले टर्न पे जो है जेनेटिक कोडॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।